रोल करें सर। आज की क्या स्थिति, कितने कंटेनमेंट एरिया बने हैं और क्वारंटाइन कितने लोग किए गए? देखिए अभी तक 160 के लगभग हम लोग एरिया कंटेनमेंट एरिया घोषित कर चुके हैं और इनमें हम लोगों ने जो क्वारंटाइन किया हुआ था लोगों को वो संख्या लगभग 1500 है। उनमें से करीब 500 लोगों को हम लोगों ने रिलीव कर दिया है, उनका 14 दिन हो जाने और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जी। और आज की स्थिति अगर पॉजिटिव संख्या की बात करें तो कितने हैं? आज की तारीख में जो कल 50 पॉजिटिव आए थे उनको जोड़ने के बाद 892 पॉजिटिव की संख्या हमारी है जी। और दिल्ली से जो टीम आई थी उसने किस तरह से देखा है सर पूरे? दिल्ली से जो टीम आई थी वो हैंड होल्डिंग के साथ आई थी और ये देखना चाह रहे थे कि फील्ड में हम लोग किस स्तर से काम कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह कैसे कर पा रहे हैं अथवा नहीं, तो उनको पूरी चीज़ें दिखाई गई, रिकॉर्ड दिखाए गए। नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी का वॉर रूम है वहाँ ले जाकर उनको बताया कि किस तरह से हमारी मॉनिटरिंग होती है, मैप के जरिए हमने किस तरह से एरिया को डिवाइड किया हुआ है, हमारी सर्वेक्षण की टीम किस तरह से सर्वे कर रही है, ये सारी चीज़ें दिखाकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। अभी तक कितने क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर लिया गया? हम लोग अभी करीब 7 लाख लोगों तक पहुँच चुके हैं और हमारा जो कंटेनमेंट एरिया है मूलतः हमने शुरुआत जो की थी वो हॉट स्पॉट से की थी और धीरे धीरे इस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे कंटेनमेंट एरिया है उनको पूरा करने के बाद उनसे लगे हुए वार्डों में भी हम पूरी तरह से काम करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। कितनी टीमें लगी सर? 550 टीमें लगी हुई थी और 200 टीमें और आज भर गई। आगे क्या स्थिति सर इसको, और क्योंकि जो पॉजिटिव होके जो डिस्चार्ज हो गए हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था? देखिए ये सबसे अच्छी बात यह है कि 70 से भी अधिक लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज अभी तक कर दिया है, जो पूर्णतः स्वस्थ होकर निगेटिव रिपोर्ट लेके अपने घर जा चुके हैं। इनको 14 दिन तक हमें मॉनिटरिंग करनी है, इनको वह पर्सनल जाके वहाँ मॉनिटरिंग भी की जाएगी, इसके अलावा टेलीफोनिक एक ऐप है जिसके माध्यम से भी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि लोग अपना घर पे आइसोलेशन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं अथवा नहीं, इस तरह से इनकी पूरा सर्विलेंस किया जाएगा आगे अभी 14 दिनों तक। सर अभी तक कितने मरीजों को डिस्चार्ज किया? सर कल हम लोगों ने करीब 31 लोगों को डिस्चार्ज किया था जिससे मिलाकर संख्या मरीज तक पहुँच गई है और आगामी दिनों में भी हम लोग इतनी संख्या में और डिस्चार्ज करने वाले हैं यदि उनकी रिपोर्ट सेकेंड रिपोर्ट है। सर अभी टेस्ट का आंकड़ा? टेस्ट स्वाभाविक से कल तक हमारी पूरी बैठी हुई थी, इसलिए टेस्ट का आंकड़ा अभी 47 का रुका हुआ। सर आपने कंटेनमेंट एरिया कितने बनाए हैं और जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं क्या कोई नए क्षेत्रों से आ रहे हैं? कोई जो आपने नहीं, ये सबसे अच्छी बात यही है कि जितना हम लोगों ने जो अभी रिपोर्ट आई थी ये 2 दिनों से बड़े नंबर आ रहे थे, ये सभी उन्हीं जगह से थे जो कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है और जिनको संदिग्ध होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट होने के कारण हमने क्वारंटाइन किया हुआ था। ये बाकी लोगों से समाज से वैसे ही दूर थे इसलिए बाकी लोगों को संक्रमण होने की गुंजाइश ना के बराबर है, इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पैनिक की कोई स्थिति नहीं है, आगामी 2 या 3 दिनों में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आकर सामान्य होने की तरफ चली जाएगी। लोग अब सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें, प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण तैयारी करे हुए हैं और पूर्ण काम कर रहे हैं।